YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अविनाश चंद्र गुप्त, सचिव पारसनाथ अवस्थी, कोषाध्यक्ष गिरीश चंद डिडवानिया ने जिलाधिकारी हरदोई की अपील पर जनपद में आ रहे प्रवासी श्रमिकों में क्वारंटीन किए गए श्रमिकों को बिस्तर के लिए 250 बिछाने की चादरें अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व CMO डॉक्टर SK रावत को सौंपी। इसके अलावा सामुदायिक रसोई के लिए खाद्यान्न सामग्री भी सौंपी। इस मौके पर भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण जिंदल, राजवर्धन श्रीवास्तव, प्रदीप गुप्ता नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश अग्निहोत्री, सचिव अनूप पुरी, वरिष्ठ सदस्य पारुल दीक्षित भी मौजूद रहे। आज भारत विकास परिषद हरदोई की तरफ से हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के आह्वान पर, अनुरोध पर, क्वारंटाइन सेंटर्स में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके रहने के लिए, उनके बिस्तरों के लिए हम लोगों ने 250 चादरें उपलब्ध कराई। आज इस अवसर पर माननीय ADM साहब श्री संजय कुमार सिंह जी और CMO साहब श्री रावत जी के उपलब्ध कराई गई, जिला प्रशासन को उनके उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर आज हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री बालकृष्ण जिंदल जी, अतुल अग्रवाल जी, श्री राजवर्धन श्रीवास्तव जी, श्री प्रदीप गुप्ता जी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री SK अग्निहोत्री जी, पारुल दीक्षित जी, अनूप पुरी, गिरीश डिडवानिया आदि सभी सदस्य जो उपस्थित रहे और माननीय ADM साहब को, CMO साहब को हम लोगों ने ये परिषद हरदोई, भारत विकास परिषद हरदोई से ये 250 चादरें उपलब्ध। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।